लोकवीरसा इस्लामाबाद में मुमताज मुसव्विर मुनीर अहमद के फन पारों की नुमाइश हुई। माहौल के वफाकी वजीर हमीदुल्ला जान आफरीदी ने नुमाइश देखी। उन्होंने कहा कि मुल्क की सकाफत के तहफ्फुज के लिए इकदाम करना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें अपने विरसे से रोशनास हो सके। मुसव्विर मुनीर अहमद ने बताया कि उन्होंने अपने फन पारों के जरिए दुनिया को अमन का पैगाम दिया है और माशरती मसाइल को उजागर किया है। जो कुछ भी दुनिया में इस वक्त हो रहा है ना, तो मैं चाहता हूँ कि हम नई नस्ल को अमन के हवाले से आगे ले जाएंगे ना, तो फिर हमारा मुस्तकबिल ज़्यादा रोशन होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। वरना ये दर्द आगे मुंतकिल हो गया तो नस्ल दर नस्ल पूरी दुनिया किस हिम्मत सफ़र करेगी। नुमाइश में खताती ऑयल पेंटिंग्स और कैमरे से उतारी गई तस्वीरें रखी गई हैं जिनमें दहशतगर्दी और माशरती मसाइल की निशानदेही की गई है। लोकवीरसा इस्लामाबाद में मुमताज मुसव्विर मुनीर अहमद के फन पारों की नुमाइश हुई। माहौल के वफाकी वजीर हमीदुल्ला जान आफरीदी ने नुमाइश देखी। उन्होंने कहा कि मुल्क की सकाफत के तहफ्फुज के लिए इकदाम करना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें अपने विरसे से रोशनास हो सकें। मुसव्विर मुनीर अहमद ने बताया कि उन्होंने अपने फन पारों के जरिए दुनिया को अमन का पैगाम दिया और माशरती मसाइल को उजागर किया। जो कुछ भी दुनिया में इस वक्त हो रहा है ना, तो मैं चाहता हूँ कि हम नई नस्ल को अमन के हवाले से आगे ले जाएंगे ना, तो फिर हमारा मुस्तकबिल ज्यादा रोशन होगा, ज्यादा बेहतर होगा। वरना ये दर्द आगे मुंतकिल हो गया तो नस्ल दर नस्ल पूरी दुनिया किस हिम्मत सफर करेगी। नुमाइश में खत्ताती ऑयल पेंटिंग्स और कैमरे से उतारी गई तस्वीरें रखी गई हैं जिनमें दहशतगर्दी और मुआशरती मसाइल की निशानदेही की गई है।